नमस्कार, वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित देवनारायण शर्मा जी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि सीढ़ी बनाते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में सीढ़ी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह दो तलों को जोड़ता है, ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर को सेकेंड फ्लोर से। किसी भी एक तल से दूसरे तल में जाने के लिए हम सीढ़ी का उपयोग करते हैं। और जब हम सीढ़ी बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के जो मूल नियम हैं उसको ध्यान पे रखते हैं। मूल नियम क्या है कि शास्त्र में कुछ दिशाओं में हम ऊंचा निर्माण कर सकते हैं, कुछ जगह पे हम नीचा निर्माण करते हैं, गड्ढे होते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ स्थान पे हम भारी निर्माण करते हैं जहाँ वजन रख सकते हैं, जबकि किसी किसी कोण पे हम भारी निर्माण नहीं कर सकते। जैसे ही हम वो निर्माण करते हैं वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्तु शास्त्र में सबसे भारी जगह कौन सी होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोण अर्थात नैऋत्य कोण है वो सबसे भारी और ऊंचा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे उचित जगह घर का दक्षिण और पश्चिम का कोण हुआ। दूसरे स्थान पे दक्षिण दिशा आता है, नैऋत्य के बाद में दक्षिण दिशा घर का सबसे भारी और सबसे ऊंचा स्थान होना चाहिए। तो अगर आप सीढ़ी नैऋत्य कोण पे नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसे दक्षिण दिशा पे निर्मित करें। इसके बाद दक्षिण के बाद में दक्षिण और पूर्व का जो कोना है वह स्थान भी सीढ़ी के लिए थर्ड चॉइस होता है। चौथे नंबर पे पश्चिम का हिस्सा, घर का जो पश्चिमी भाग है उस भाग में अगर आप सीढ़ी का निर्माण करते हैं तो वह भी वास्तु के अनुसार शुभदायक माना जाता है। इसके बाद पांचवें नंबर पे उत्तर और पश्चिम का कोना अर्थात वायव्य कोण को वास्तु के हिसाब से सीढ़ी के लिए उपयुक्त माना गया है। तो आप लोग नोट करें कि वास्तु में अब हम पांच स्थान की चर्चा किए। पहला सीढ़ी के लिए नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम का कोना, दूसरा दक्षिण दिशा, तीसरा दक्षिण और पूर्व का कोना अर्थात अग्नि कोण, चौथा पश्चिम और पांचवा उत्तर और पश्चिम का कोना। अब इसमें हम क्या क्या सावधानी रखें। सीढ़ी बनाते समय हम ध्यान दें कि सीढ़ी हमारी क्लॉक वाइज होनी चाहिए। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी जैसी घूमती है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो जब भी हम सीढ़ी का निर्माण करें तो हमारा क्लॉक वाइज या घड़ी की दिशा के अनुकूल सीढ़ी निर्मित होनी चाहिए। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि सीढ़ी जब भी क्लॉकवाइज होगा तो सीढ़ी में चढ़ते समय जो हैंडल होगा, रेलिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे दाहिने हाथ पे आएगा। इसलिए सीढ़ी को क्लॉकवाइज बनाने का विधान है। फिर हम ये सावधानी रखें कि सीढ़ी बनाते समय कभी भी सीढ़ी के नीचे पूजा कक्ष या कैश की अलमारी या अपने घर के महत्वपूर्ण सामग्री को वहाँ पर कभी भी ना रखें, क्योंकि सीढ़ी अशुभ स्थान होता है, अशुभ निर्माण होता है, उसके नीचे शुभ चीज़ें नहीं आनी चाहिए। चौथा, सीढ़ी के नीचे कभी भी डाइनिंग टेबल को न रखें। डाइनिंग टेबल समृद्धि का प्रतीक माना गया है और जब भी डाइनिंग टेबल सीढ़ी के नीचे आएगा तो वो हमारी जो समृद्धि है, घर की सुख शांति है, उसमें कमी आने की पूरी संभावना है। तो हमने ये पहले भाग में ये देखा कि पांच दिशाएं हमारे लिए अत्यंत शुभदायक है और चार दिशाएं अत्यंत अशुभदायक है। तो चार कौन कौन सी और दिशाएं हुई? पहला
सबसे महत्वपूर्ण कोना ईशान कोण, घर का सबसे शुद्ध और पवित्र कोना ईशान कोण पे अगर सीढ़ी निर्मित हो जाए तो आप जानते हैं कि सीढ़ी ईशान कोण समृद्धि का कोना होता है, घर के सुख शांति का कोना होता है, घर के पुरुष का कोना होता है। तो जब भी ईशान कोण पे सीढ़ी होगा तो समृद्धि को, सुख शांति को और घर के जेंट्स मेंबर को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से सीढ़ी कभी भी उत्तर की दीवार से लगकर नहीं बननी चाहिए। घर का जो उत्तर मध्य हिस्सा है अगर वहाँ पे सीढ़ी बनता है तो उस वजह से घर का जो कुबेर है, घर का जो धन का देवता है, हमारी जो समृद्धि है, हमारे जो व्यापार के कारक ग्रह हैं वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो सावधान रहिए, कभी भी सीढ़ी को उत्तर दिशा पे ना बनाएं। अगर आपने सीढ़ी को पूर्व दिशा पे बनाया, पूर्वी मध्य पे बनाया, तो पूर्व का स्वामी इंद्र और सूर्य, तो इन दो स्थान पे जब भी सीढ़ी होगा तो हमें हमेशा शासन पक्ष से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट संबंधी दिक्कतें, इनकम टैक्स के छापे, है ना, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको भी अपने सीढ़ी को तुरंत देखना चाहिए कि कहीं वो पूर्व दिशा पे निर्मित तो नहीं हो गया है। फिर इसके बाद नौवीं दिशा हमारा मर्म स्थान, घर का जो मध्य स्थान है, ब्रह्म स्थान है, अगर यहाँ पे सीढ़ी बनता है तो वह भी अत्यंत दोष पूर्ण माना गया है। आप देखेंगे, आप अपने नाभि को छू के देखिए, यह जो नाभि का स्थान है यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, सबसे कमजोर होता है। तो ध्यान रखें कभी भी आपके, आपकी जो सीढ़ी है वो मर्म स्थान पे ना आने पाए। तो आज हमने सीढ़ी के बारे में आपको अत्यंत रुचिकर जानकारी दी, और अगले एपिसोड आप देखते रहिए।